सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. तो येस्टरडे हमारा क्वेश्चन आंसर्स और कम्प्लीटेड राइट. आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन द क्वेश्चन आंसर्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू पेज नंबर 61 एंड पेज नंबर 62. ओके, सी अलाउड पोर्शन इज ऑल्सो देयर, बट दैट वी विल डू वेन एवर वी आर गोइंग टू टेक द गूगल मीट क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू डू द वर्ड बिल्डिंग पार्ट एंड लेट्स राइट पोर्शन. ओके, सो पेज नंबर 61 वर्ड बिल्डिंग पार्ट इज देयर. वन क्वेश्चन इज देयर एडिंग द सफिक्सेस एनएस. सो बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट. अ सफिक्स, व्हाट इज अ सफिक्स? फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज अ सफिक्स. अ सफिक्स इज अ लेटर, अ सफिक्स इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स यूज एट द एंड ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग. एक सफिक्स क्या होता है? एक लेटर या फिर एक ग्रुप ऑफ लेटर जो एक किसी वर्ड के पीछे लगाया जाता है उसका मीनिंग चेंज करने के लिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखे प्ले, एक होता है प्ले वर्ड, ठीक है, और एक उसके पीछे हम प्लस कर दें फुल, FUL ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? प्लेफुल. ठीक है, ऐसे ही आपका है यूज़, और उसके पीछे हम LES लगा दें तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? यूजलेस. ठीक है, तो ऐसे ही और भी बहुत सारे सफिक्सेस होते हैं. कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं या ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जिनको हम किसी वर्ड के पीछे लगाएं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. लाइक यूज़ का मीनिंग होता है इस्तेमाल करना किसी चीज़ का, ठीक है, और यूजफुल, यूजलेस का मीनिंग होता है जो किसी काम का नहीं है. ठीक है, मीनिंग चेंज हो गया ना कम्प्लीटली वहाँ पर. ऐसे ही आपका क्या था? प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, और प्लेफुल का मतलब होता है खेलने की आदत. ठीक है, खेलने का तरीका. ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा सफिक्स क्या होता है. सफिक्स इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स यूज एट द एंड ऑफ द वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग. ओके, नाउ वी हैव टू यूज लर्न द यूज ऑफ एडिंग सफिक्सेस नेस. नेस ऐड करना सीखना है. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या करता है नेस ऐड करके वर्ड के पीछे ऐड हो जाकर. तो नेस हैप्पी, कोई भी फीलिंग होती है लगा लो, कोई भी हैप्पी है, जैसे आपका सैड है, ठीक है, कोल्ड है, तो ये आपकी फीलिंग्स है, राइट. और ये हो गया आपका एडजेक्टिव. एडजेक्टिव मतलब विशेषता बता रहा है, आपके फीलिंग्स के बारे में शो कर रहे हैं. ठीक है, तो एडजेक्टिव को नाउन में चेंज करता है. नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड. ठीक है, तो नेमिंग वर्ड को जो वर्ड एक्सप्लेन करता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. ठीक है, एक्सप्लेनिंग वर्ड और नेमिंग वर्ड. तो नेमिंग वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसको नाउन में चेंज करता है एडजेक्टिव को, यानी कि फीलिंग को क्या करता है? हमारे स्टेट ऑफ माइंड के में चेंज करता है. लाइक हमारे मन की फीलिंग को हमारे माइंड की अवस्था में चेंज कर देता है. ठीक है, सिचुएशन में, जैसे आप लोगों को हिंदी में पढ़ा होगा ना भाववाचक संज्ञा, तो विशेषण को भाववाचक संज्ञा में चेंज कर देता है. ठीक है, फीलिंग को स्टेट ऑफ माइंड में चेंज कर देता है. ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं इस चीज़ को. सो हैप्पी, लाइक हैप्पी, हैप्पी का मतलब हो गया खुश होना. ठीक है, हमारे मन की फीलिंग, हैप्पीनेस, खुशियाँ. ठीक है, टायर्ड, टायर्ड का मतलब थका हुआ, टायर्डनेस का मतलब थकावट, ग्रेट का मतलब महान, और ग्रेटनेस का मतलब महानता. ठीक है, तो महान इंसान है वो, महानता उसका काम है, कार्य, वर्क. ठीक है, टायर्ड वो थका हुआ है, और थकावट उसकी अवस्था है, थकने की स्थिति है, कंडीशन है, हिज कंडीशन. ठीक है, टायर्ड हो गया उसकी, थका हुआ है वो, फीलिंग हो गई उसकी, और टायर्डनेस हो गई उसकी कंडीशन. ठीक है, हैप्पी वो खुश है, खुशी जो है वो उसकी कंडीशन हो गई. ठीक है, सिचुएशन हो गई उसकी. ठीक है, तो आपको आई होप डिफरेंस समझ आया होगा सफिक्स का लगाने के बाद. एक और चीज़ का ध्यान देंगे यहाँ पे, जब भी किसी वर्ड के पीछे वाई होता है, ठीक है, जब भी किसी भी वर्ड के पीछे वाई होता है तो अगर हम उसका सफिक्स लगा रहे हैं तो वहाँ पे वाई का क्या बन जाता है? आई बन जाता है. ठीक है, तो वहाँ पे हैप्पी, हैप्पीनेस. तो याद रखेंगे ये चीज़, अगर मिस्टेक होती है तो मार्क्स कट होते हैं इस चीज़ के, तो इसलिए याद रखेंगे जब भी किसी वर्ड के पीछे आई है और हम पीछे सफिक्स ऐड कर रहे हैं तो वाई का क्या चेंज बन जाता है? हमेशा आई में चेंज हो जाता है वाई. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस भी समझा देती हूँ. शी इज़ हैप्पी, वो खुश है. हर हैप्पीनेस लाइज इन बुक्स, उसकी खुशियाँ किस में हैं? किताबों में. आई एम टायर्ड ड्यू टू एक्स्ट्रा वर्क, मैं थका हुआ हूँ किससे? एक्स्ट्रा काम से, और मैं काम नहीं कर सकता थकावट की वजह से. ठीक है, दोनों में डिफरेंस आ गया. देखिए एक और चीज़ का ध्यान देंगे आप यहाँ पे, हर हैप्पीनेस, शी इज़ हैप्पी, वो खुश है, इज़
एम आर हेल्पिंग वर्ब के साथ एडजेक्टिव लगाया गया है आपका, ठीक है। और यहाँ पे आ गया स्टार्टिंग में है तो नाउन, एंड में है तो नाउन, ठीक है। शी इज़ बोल्ड, वो बहुत बोल्ड नेचर है उसका, ठीक है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और वो फेमस है किस लिए, अपनी बोल्डनेस की वजह से, अपनी आत्मविश्वास की वजह से ज़्यादा फेमस है वो। श्री रामा वॉज अ ग्रेट पर्सन, श्री रामा एक महान आदमी थे और पीपल लव करते थे श्री रामा से बिकॉज ऑफ हिज ग्रेटनेस, उनकी महानता की वजह से उनसे उन्हें पसंद करते थे लोग, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया ना, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब आपका लास्ट में देखिए, आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है, द वर्ड हैप्पीनेस एंड्स इन नेस, वर्ड हैप्पीनेस के पीछे नेस एंड होता है, ऐसे ही आपको कुछ और वर्ड्स राइट करने हैं और उनका रूट वर्ड राइट करना है। रूट वर्ड का मतलब जैसे मैंने आपको समझाया था हैप्पीनेस, हैप्पी प्लस नेस, राइट, तो रूट वर्ड क्या हो गया उसका, हैप्पी, कौन से वर्ड से आया हैप्पीनेस, हैप्पी से। ऐसे ही आपको मैंने लिखा टायर्डनेस, तो टायर्डनेस किससे आया, टायर्ड से। प्लेफुल, प्लेफुलनेस, सॉरी दिस इज कूलनेस, कूलनेस किससे आया, कोल्ड से, ठीक है। तो ऐसे आपको थ्री मोर वर्ड्स लिखने हैं, जो वर्ड्स मैंने लिखवाए हैं आप वो वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, उन तीनों वर्ड्स को छोड़, फोर फाइव वर्ड्स मैंने दिए हैं उनको छोड़ के आप और थ्री वर्ड्स ढूंढेंगे और वो यहाँ पे आप राइट करेंगे, ठीक है, आपकी अपनी बुक में ही राइट करेंगे, ओके।